रियासत ताकतवर थी है और रहेगी, कभी कमजोर नहीं होगी। अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग और बलूचिस्तान में अमन कायम करेंगे। सूबाई वजीर अब्दुलरहमान खेतरान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दहशत गर्दों को कभी बलोच नहीं कहूंगा, अगर आजादी हासिल करनी है तो बंदूक की बजाय कलम के जरिए आजादी हासिल करें। मैं उनको कभी बलोच नहीं कहूंगा। रियासत हमेशा ताकतवर होती है, कमजोर नहीं होती है। आप एक मासूम बच्चे को शहीद करके कौन सी आप आजादी लेना चाहते हैं? लेवीज, पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। इनके हम घेरा वो तंग करेंगे कि ये सोच भी नहीं सकते कि रियासत कितनी ताकतवर होती है। नहीं मानो वाली है फिर उसका इलाज है, रियासत के पास है। रियासत कभी कमजोर नहीं है, रियासत तहफ्फुज करना जानती है। अगर आपको आजादी चाहिए तो कलम से आजादी लें, बंदूक की गोली आजादी नहीं देती है। रियासत कभी कमजोर थी ना है ना होगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा इसी तरीके से कायम दायम रहेगा, यहाँ पे अमन कायम।